दोस्तों रिश्वत एक ऐसा शब्द है जो किसी को तो बुरा लगता है लेकिन किसी को अच्छा भी लगता है। रिश्वत जो देने वाले होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है रिश्वत देने में, लेकिन जो घूसखोर होते हैं उनको रिश्वत नकारने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और उन्हीं रिश्वत की राशि की वजह से जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो करोड़पति बन जाते हैं, उनके पास इतनी संपत्ति होती है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल बीते दिनों बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र के एक जलदाय विभाग के अधिकारी को लेकर बाड़मेर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एक शिकायत मिली थी कि वो साहब जो हैं, जिनका नाम जेपी गुप्ता साहब है, वो एक ठेकेदार से 2.5% रिश्वत की राशि मांग रहे हैं, यानी करीब करीब 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि की डिमांड की थी, जिस पर बाड़मेर एसीबी की टीम ने जब सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई। और शिकायत सही पाई गई, एसीबी ने कार्रवाई की, उनको ट्रैप कर लिया, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते, और पूरे मामले में एसीबी ने आगे की कार्यवाही शुरू की। और इस मामले को लेकर जब एसीबी ने जांच पड़ताल शुरू की, उनके घर की तलाशी शुरू की और ये जानने की कोशिश की कि इन्होंने और कितनी रिश्वत की राशि ली होगी, इनकी अब इनकम है वो अब कितनी है, इनके पास संपत्ति कितनी है। और आप यकीन मानिए कि जब ये खुलासा किया एसीबी की टीम ने तो सब लोग अचंभित रह गए कि क्या इतनी रिश्वत राशि इन्होंने लोगों से इकट्ठी कर ली। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर में कैश तो सिर्फ 8 लाख और कुछ रुपए थे, इतना ही रोकड़ रुपया था। और जब फिर चल और अचल संपत्तियों के बारे में, जमीन जायदाद प्लॉट सोना गहना इनके बारे में पता किया तो आप यकीन मानिए उन साहब के घर यानी कि 2.43 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली चल और अचल, जो उनके उनके खुद के नाम के, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वो संपत्ति थी। आप यकीन मानिए कि एक अधिकारी के घर 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जबकि उनकी नौकरी 1987 में लगी थी और 2022 तक जब एसीबी की टीम ने पूरा आंकड़ा निकाला तो उनको अब तक सारे प्रकार के भत्ते बोनस वगैरह मिलकर के सिर्फ 1.09 करोड़ रुपए ही मिले थे सरकार की ओर से और तमाम प्रकार के भत्तों की ओर से। अब एसीबी ने इस पूरे मामले का जांच पड़ताल की तो उनके पास 121% अधिक धन था, यानी कि 1.09 करोड़ रुपए होने चाहिए, उसकी जगह 2.43 करोड़ रुपए यानी 1.33 करोड़ रुपए उनके पास आय से अधिक थे। इस पर एसीबी की टीम ने जलदाय विभाग के अधिकारी जेपी गुप्ता के खिलाफ अधिक से अधिक आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब इस प्रकार की ये आंकड़ा सुना करके और ये खबर सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे आसपास हमारे विभिन्न प्रकार के जहां हमारा रोजाना काम पड़ता है आम लोगों का, वहां बैठे अधिकारी कुछ ऐसे अधिकारी जो किस तरीके से गरीब लोगों को हड़पते हैं, उनसे रिश्वत राशि हड़पते हैं जिससे करोड़ों रुपए की वो संपत्ति बना लेते हैं। जरा सोचिए आप कि कैसे कैसे लोग हैं जो सभी लोगों को बदनाम करते हैं। तमाम प्रकार के अधिकारी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कई अधिकारी सही भी होते हैं लेकिन कुछ अधिकारी उनके बीच ऐसे होते हैं जो तमाम अधिकारियों को बदनाम करते हैं और बेचारे गरीब लोगों से, जिनको हकीकत में काम करवाना होता है, उनसे रिश्वत राशि लेकर के अपनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि कभी प्रकार की अगर कोई भी आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम से संपर्क जरूर करें ताकि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सके। धन्यवाद।